वीडियो में बताए थे आरपीएम मीटर को कैसे प्रोग्राम करते हैं, और मैं बताया था ड्राइव में उसका सिलेक्शन सेम होना चाहिए, तब वो कैलिब्रेट हो जाएगा और आपको परफेक्ट दिखाएगा। इनपुट सिलेक्शन जो भी डालते हैं वो बराबर होना चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे उसका इनपुट सिलेक्शन ड्राइव में करते हैं। अगर आरपीएम मीटर में 4 से 20 मिली एम्पियर या 0 से 10 वोल्ट या 0 से 20 मिली एम्पियर सेट किए हैं तो ड्राइव में भी उसको कैसे सेट करेंगे। ये डेनफोर्स की ड्राइव है, MC3360 है, तो हम लोग इस पर देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये स्टेटस ऐसा चलता रहेगा, तो फिर हम लोग मेनू में जाएंगे, मेनू में प्रेस करेंगे और ये इनपुट आउटपुट एनालॉग होता है, तो इनपुट आउटपुट एनालॉग में जाएंगे हम लोग, डिजिटल है ये, 6 नंबर में एनालॉग इनपुट आउटपुट है। फिर हम लोग इसको क्लिक करेंगे, जो भी आउटपुट यूज किए हैं, आउटपुट तो ये आउटपुट एनालॉग आउटपुट 1, एनालॉग आउटपुट 2 दो है, इसमें दोनों यूज किया मैंने। एक जो आउटपुट 1 है वो आरपीएम के लिए यूज किया, आउटपुट 2 है वो एम्पियर के लिए यूज किया है। तो आउटपुट 1 पे अगर कैलिब्रेशन जैसे इधर ड्राइव में दिखा रहा है आरपीएम 24, और उधर आपको आरपीएम मीटर में जो रिमोट पैनल पे लगा है उस पर आपको दिखा रहा है 25 या 23, तो उसको क्लिक करके यहाँ पे हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम तो हम लोग 0 ही रखेंगे, मैक्सिमम यहाँ पे परसेंटेज में आता है, ये परसेंटेज को 60% पे अभी है, तो जितने परसेंट में वो कैलिब्रेट हो जाए, दोनों सेम हो जाए, उतना परसेंट हम लोग चेंज करेंगे। और यहाँ पर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज कर लेंगे, तो उसको चेंज करने के बाद वो ऑटो में वो कैलिब्रेट हो जाएगा। जब तक वो सेम ना हो तब तक उसको परसेंटेज को इंक्रीज और डिक्रीज करते रहें आप, जब जैसे इसको ओके करेंगे, फिर ओके करने के बाद यहाँ से डाटा को चेंज कर सकते हैं, जैसे 7 हुआ, इंक्रीज हुआ, मेरे को 60.36 में ही वो कैलिब्रेट हो गया है, तो इसके लिए हम लोग उतना ही रखेंगे। अगर आपको जब तक वो कैलिब्रेट ना हो तब तक उसको आप 60, 30, 70 जितना पे हो उतना आप उसको सेट कर दें, तो आपका ड्राइव में जितना दिखा रहा है आरपीएम उतना ही आरपीएम मीटर में भी दिखाएगा, ड्राइव में जितना एम्पियर दिखा रहा है उतना ही आपको उसमें दिखाएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है आप कौन सा टर्मिनल यूज किए हैं उसके ऊपर, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त।